Unsaturated hydrocarbon. Degree of unsaturation.
degree of unsaturation in following compound. साइकिल है, जीतता गया है साइकिल को भी डिग्री आप अनुसरण मानेंगे और जितना पाई कम है यहाँ पर कितना आ जाएगा कितना 3, 2, 5, 2, 7 और 3 दस। यहाँ पर एक साइकिल और एक पाई बांध दे दो, जो साइकिल है तो एक यहाँ पर दो एक साइकिल दो साइकिल C3 H6 4 C4 H8 Cl2
इतने में हम यहाँ बता सकते हैं। चलो देखो, सिंपलेस्ट मेंबर ये थ्री, आईपीसी में ये तीन बोलेंगे, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल कितना 120, कितने बॉन्ड एंगल और 120 लिखे हैं, कार्बन कार्बन बांधना बताई दिए थे एल्केन में ही, इसी का ना टू टाइप सिमेट्रिकल bonded carbon has same group number CH2 double bond CH2 CH3 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 C6 CH5 CH double bond CH C6 CH5 unsymmetrical if doubly bonded carbon has different group. Doubly bonded carbon has different group. Where?
हाइपर कॉन्फिगरेशन। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर डिग्री है तो स्टेबिलिटी डिग्री है। डबली बॉन्डेड कार्बन पर जितने सीएसपी होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एक सीएसपी के लिए तीन स्ट्रक्चर होगा। बताया था तो कितना जाएगा? तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, तीन तीन छः तीन नौ, तीन तीन छः तीन, कोई स्ट्रक्चर नहीं। आइसोमेरिक में चेन कार्बन की संख्या चार है और ज्यादा होना चाहिए। पोजीशन टोटल में स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल यूज कर लेंगे। अगर ओपन चेन में ये सब है कम से कम तीन पॉलीवेलेंट एटम हो और एक पाई बॉन्ड है उस ओपन चेन को साइकिल में बदल दोगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान होगा CH3COOH कितने पॉलीवेलेंट एटम है? तीन। कार्बन की वैलेंसी एक से ज्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन तो साइकिल में बदल दो। और सबसे छोटी साइकिल जो होगी उसमें कितने मेंबर होंगे? तीन। तो यहाँ पर तीन ही पॉलीवेलेंट एटम है तो तीन साइकिल की तीन मेंबर की एक साइकिल बन गई। मान लो यहाँ पर चार होगा, ये चार
तीन से शुरू करते हैं। कितने से शुरू करते हैं? तीन से। तो मतलब यहाँ पर दो साइकिल बनती है, एक में तीन मेंबर होते हैं, दूसरे में चार मेंबर। ये जानो ये हो गया, और क्या ये? अच्छा, जरूरी है कि कार्बन ही बाहर हो, ऑक्सीजन बाहर कर दो, ऑक्सीजन बाहर हो सकता है मतलब, ठीक है। अब जहां जितने में बैलेंसिंग की जरूरत है उतने हाइड्रोजन जोड़ लेना, बस आ रहे नहीं आ रहे। ओपन चेन को साइकिल में बदलना है तो सब क्या है, तीन पॉलीवेलेंट एटम कम से कम हो, और क्या हो, एक पाई बॉन्ड हो। जब ओपन चेन को साइकिल में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो शुरू कहां से करेंगे, पहली साइकिल जो बनाएंगे उसमें तीन मेंबर होगा, दूसरी जो बनाएंगे उसमें चार मेंबर होगा, और अगर पॉलीवेलेंट एटम है तो फिर उसके कार्ड कटते जाएंगे, ठीक भैया। अच्छा, एक और चीज बता, चीज़ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म को, अगर आपसे कोई कहे कि हम रिंग चेन नहीं बोलना चाहेंगे तो चूंकि अब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया नहीं गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसको आप स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आइसोमर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अगर आपसे कोई कहे कि हम रिंग चेन नहीं बोलेंगे तो आप कहोगे कि दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आइसोमर। देखो बेटा इधर देखो, यहाँ ये एल्डिहाइड है ना, देखो एल्डिहाइड है, किसमें चल गया, साइक्लिक ईथर में, किसमें चल गया, साइक्लिक ईथर में, तो फंक्शनल चेंज हुआ या नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हम इसको रिंग चेन नहीं बोलना चाहेंगे तो आप कहोगे दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखना भैया इधर देखो, थोड़ा सा किया बता दें, कितने आइसोमर बना लिए आपने, एक दो तीन चार पांच, दैट इज स्ट्रक्चरल, दैट इज टोटल में एक। यहाँ पर देखो बेटा ये सिस और ट्रांस में लिख सकते हो, सिस प्लस ट्रांस, तो टोटल में इनको भी काउंट, मतलब तब इसको दो मानेंगे, टोटल में जब बात होगी तो इसको क्या मानेंगे, दो, तब एक दो तीन, एक चार, एक पांच और एक छह, समझ रहे ना। तो जो बात टोटल की आएगी तो इसके सिस और ट्रांस को तब अलग अलग मानेंगे, और बात स्ट्रक्चरल की आएगी तो इसको फिर सिस ट्रांस नहीं कहके फिर क्या बोलेंगे, ब्यूट टू इन, ये क्या है, ब्यूट टू इन, लेकिन ब्यूट टू इन दो रूप में हम लोग देख सकते हैं ना, एक सिस रूप में और दूसरा दूसरा बेटा ट्रांस रूप। तो अब ये है तो ब्यूट टू इन, दोनों ब्यूट टू इन है, तो स्ट्रक्चर में दोनों क्या मानेंगे, एक, लेकिन वैसे तो अलग अलग है, ये सिस ब्यूट टू इन अलग है, ट्रांस ब्यूट टू इन अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो इसलिए अलग अलग माना जाएगा। तो टोटल में कितना मानेंगे, सिक्स, और स्ट्रक्चरल की जब बात होगी तो फाइव, ठीक है। तो जिन कंपाउंड के आइसोमर को पूछते हैं उनको हम बताते चले गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा फार्मूला हमारे पास नहीं है कि हम फार्मूला बता दें और आपको समझ सकते हैं, ये केवल प्रैक्टिस का आपके लिए करते हैं, आप उसके लिए प्रैक्टिस की हो सकता है, कौन से क्वेश्चन पूछा हमें ऐसे बता पाए, हम नहीं कह सकते बता पाएंगे, हमारे ध्यान से गुजरे या हमारी प्रैक्टिस आपके कंपेरिजन में ज़्यादा है हम दवा ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है अगर दिमाग से कुछ स्लिप कर गया तो हमसे भी जो हो जाए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के लिए तो फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्पल मिलते हैं उनको मैं बताता चलूंगा, ठीक है, और मोस्टली वही पूछे भी जाते हैं जब आइसोमेरिज्म की बात आती है, तो चूंकि यहाँ कोई फार्मूला तो है नहीं, तो पेपर सेक्टर को मालूम है कि फिर आप बैठ कर बनाने लगोगे फिर एक ही क्वेश्चन का भी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा,
पूछे हुए जाएंगे जो तो किताब में आपने दिए गए होंगे, ठीक है। और देखो काम क्या बता रहे थे एक, हाँ C2H2Cl2 टोटल 3 स्ट्रक्चरल 2। वही बेटा ये देखो टोटल 3 में अगर से स्ट्रांस देखो Cl H ये सिस हो गया। अब यहां पर Cl H ये Cl ट्रांस हो गया। अब दोनों Cl को एक पे कर दो CCl2CH2 तो स्ट्रक्चर में तो ये दो हो गए, स्ट्रक्चर में दोनों को एक मानेंगे एक और ये दो, टोटल में सिस ट्रांस और ये एक हो। तो जब बात एल्कीन की आएगी तो सिस ट्रांस पे विचार करो, बात एल्कीन की आएगी तो सिस ट्रांस पे विचार करना है। बिना डिहाइड्रोहैलोजेशन ऑफ एल्कीन है, बाय डिहाइड्रोहैलोजेशन ऑफ एल्कीन है। If X is same, tertiary, secondary, primary. Tertiary, secondary, primary. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और एल्कोहल, बेटा ध्यान से देखना E3 ये ध्यान दो, ये बड़े साइज का एजेंट है। आपको एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर एलिमिनली को पढ़ाए थे और बताए थे जब दो डिफरेंट बीटा कार्बन है तो एलिमिनेशन सेंटिप से हो सकता है या हाफ फैन से हो सकता है, बताया गया था। हाफ फैन में क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, और सेंटिप में क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ये ध्यान देना यहाँ पर अगर ये है तो सेंटिप प्रोडक्ट मेजर, और ये है तो हाफ मैन प्रोडक्ट।
इसको जाते हैं और एक चीज ध्यान दे रहे हो, एक ही रिएक्शन आ रहे केमिस्ट्री में दो बार करते हैं। जैसे यहाँ पर डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कर रहे हो किसका, एल्किल हैलाइड का, ये तो एल्किल का प्रिपरेशन कर रहा हो, जब एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में यही पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस हल्का सा लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो जो रिएक्शन एक बार पढ़ा दे रहे हैं फिर नेक्स्ट बार मिलेगा तो बस उसका जो नाम लिख देंगे, फिर उसको फिर से डिटेल नहीं करने जाएंगे। पहले समझिएगा चीजों को। और यहाँ पर मैकेनिज्म की अगर बात करें तो E2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2। E1 में क्या बताया था? E1 में एजेंट क्या होगा? वाटर, एल्कोहल या अमोनिया, इनके साथ ही, इनके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अच्छा ये जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है तो ब्रेकेट में लिखना है एंटी रिमूवल, ब्रेकेट में क्या लिखना ना, एंटी रिमूवल। सब मैकेनिज्म में सब समझाए थे, जहाँ पर हेडिंग डाले थे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, वहाँ पर रिमूवल क्या होगा? एंटी। हालांकि उस लेवल पर आप लोगों से पूछता रहे हैं, हेडिंग याद लीजिए ना बेटा, वहाँ पर आप एंटी रिमूवल। और कौन कौन एंटी रिमूवल होगा? एंटी फार्म में कौन कौन निकलेगा? HX और X2, HOX, ये तीन का एंटी रिमूवल होता है। एडिशन भी एंटी और रिमूवल भी एंटी, एडिशन भी एंटी और रिमूवल भी एंटी। यहाँ पर देखना होता है CH2, CH3, CH2Cl, यहाँ पर के हुए एल्कोहल, इनमें से कोई भी ले लो, ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा, तो क्या हो जाएगा CH2CH2। ध्यान रखना होता है Cl ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं। यहाँ पर देखो अंतर समझ लो, एल्कोहलिक ले रहे हो और क्या ले रहे हो, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड और आर ओएच ले रहे हो, कई बार आर ओएच मिलेगा कई बार नहीं दिखा रहेगा, ये दिख जाए बस। टर्शियरी ब्यूटाक्साइड का फार्मूला लिखोगे नहीं तो समस्या, हमको टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिख दिए और रिएक्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे? टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हाफ मैन और यहाँ पर सेटियफ, तो सेटियफ ने क्या कहा, देखो हाइड्रोजन वहां से निकलना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है मेजरली, और इन्होंने कहा कि वहां से निकलना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर बनेंगे दोनों, ऐसा नहीं है देखा बेटा, बनेंगे दोनों, यहां पर ये मीटर होगा और यहां पर ये मीटर, अच्छा होता क्या बेटा E2 में एक ही स्टेप में निकलता है, तो देखो अब यहाँ पर एक ही स्टेप में जब निकलता होगा, देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H होगा, तो ये जो बेस है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये तो होगा, तो बड़े साइज का बेस है तो इधर हिंड्रेंस कम है,
इधर आसानी से पहुंच जाएगा और इधर इंद्रियां ज्यादा है इधर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, यही कारण होगा। ठीक है,
यहाँ पर जीन मेथिलिन कोण क्या लिखें? अभी देखो ये डीएल टाइप का है, ये किस टाइप का है? डीएल, तो डीएल को ये आप लिख रहा है डीएल, यहाँ पर ट्रांस है तो डीएल इधर इसको इधर लाया, तो डीएल माइनस एन टी तो क्या बचेगा सिस। यहाँ पर कैसा बनाया, कैसा बनाया प्रभु सिस। ठीक है तो चलो आज यहाँ हो गया, कल बस थोड़ा सा प्रिपरेशन और बच रहा है, कल वही एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा के फिर वो आ जाएगा प्रॉपर्टी में आप।